गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब टॉपिक रिलीजियस डिबेट्स एंड द फेयर ऑफ प्रिंट जो है उसमें हमने डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन से कुछ लोग जो थे या कुछ जमातें या कुछ मजहबी अनासर वो इसके प्रिंट रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे, क्योंकि प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से मार्केट में हजारों लाखों की तादाद में किताबें आ गई थी और कुछ किताबें ऐसी थी जो मजहब से जिनमें मजहब के बारे में बहुत ज्यादा तनकीद थी या उस वक्त की जो अथॉरिटी थी उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। तो इसीलिए जो मजहबी जमातें थी, चर्च था जो, वो बहुत ज़्यादा यानी किताबों की मार्केट में आने के खिलाफ था और उसका बाद में ये भी असर हुआ कि मजहब के बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया, कुछ लोगों ने तहकीक की और मजहब में इस्लाह की भी कोशिश की। जैसे 1517 में एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्कॉलर था क्रिश्चियनिटी में, मार्टिन लूथर, उसने लगभग 95 के करीब अपनी थीसिस लिखी जिनमें उसने रोमन कैथोलिक चर्च और उसकी बहुत सारी मजहबी रसूमात के खिलाफ तनकीद की और फिर उसने तनकीद की थी। इसने इसका एक प्रिंट निकाल कर उसने विटनबर्ग के जो चर्च में दरवाजे पर लटका दिया और उसने जो अपनी थीसिस लिखी थी उसमें चर्च को चैलेंज किया था कि वो जो उसके ख्यालात हैं मजहब के बारे में, जो आइडियाज़ हैं और जिस किस्म की वो रिफॉर्मेशन लाना चाहता है उस बारे में चर्च उसके साथ डिबेट करे। और इसका असर ये हुआ कि जो मार्टिन लूथर था उसकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई और उनकी इशात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उसकी वजह से एक यानी चर्च के अंदर ही एक नई तहरीक और एक नई तकसीम शुरू की जिसको हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसके बाद मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टमेंट प्रिंट की करवाई और उसकी यानी सिर्फ 3 महीने में लगभग 5,000 कापियां जो है फरोख्त हुई बिकी। तो प्रिंट यानी इतनी बड़ी तादाद में प्रिंटिंग की वजह से मार्टिन लूथर बहुत खुश था और उसने अपना जो इसे कुदरत का एक अनमोल यानी तोहफा करार दिया और उसने कहा कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस प्रिंट की वजह से नए नए ख्यालात और नई किस्म की एक इंटेलेक्चुअल फजा कायम कर रहे हैं और उससे क्या होगा, मजहब के अंदर रिफॉर्मेशन यानी इस्लाह करने का एक जरिया पैदा होगा। और उसके बाद जब इस किस्म की और बहुत सारी तनकीद हुई चर्च पर तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे, खासकर चर्च के जो बड़े बड़े हुकाम थे, वो उनके खिलाफ हो गए। इसी तरह का एक 16वीं सेंचुरी में एक शख्स था इटली में जो पेशे से एक मिलर था यानी चक्की पीसने वाला, उसका नाम था मिनोचियो। मिनोचियो भी उसने भी अपनी लोकेलिटी में जो किताबें थीं खासकर मजहब पर उनका मुताला करना शुरू किया और फिर उसने अपने तरीके से बाइबल की जो मतलब तशरीह की या तफसीर लिखी जिसमें उसने खुदा और उसकी जो मखलूक है उसके बारे में एक नया नज़रिया पेश किया जिसकी वजह से कैथोलिक चर्च उसके खिलाफ हो गया और उनको
उसकी जो तशरीह थी वो यानी मज़हब से मुखालफ लगी, यानी कुफराना किस्म की लगी। और फिर जब रोमन चर्च ने उसकी तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि इसके जो ख्यालात हैं वो मुरादाना किस्म के हैं, कुफराना किस्म के हैं, जिनमें कुफर का इजहार होता है उनके मुताबिक। तो फिर उन्होंने मेनोचियो को उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया और फिर उसे सजा दी, उसे यानी फांसी की सजा दी। तो ऐसी बहुत सारी किताबें या ऐसी बहुत सारी जो तहरीकें शुरू हो रही थी प्रिंट कल्चर की वजह से, नए नए ख्यालात आ रहे थे, खासकर मस्जिद में लोग मस्जिद में मज़हब पर तनकीद करना शुरू कर रहे थे। तो उसकी वजह से रोमन चर्च ने इस तरह की जो किताबें थीं उन पर पाबंदी लगा दी और बुक सेलर्स को और पब्लिशर्स को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो इन किताबों की इशात यानी प्रिंटिंग नहीं करेंगे। और फिर 1558 के बाद उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त तैयार की कि कुछ किताबों की कि जिन्हें जिनकी इशात पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये हमारा आज का लेसन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।